अवतार का अर्थ की हो गया जमना, मुड़ मुड़ के जमदा, तो जोड़ा जमदा वा वह मुड़ मुड़ के मरदा वा, जेड़ा जमदा नहीं होता वो मरदा भी नहीं। सतगुर की है, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। सुरत उत्थे रखियो, जेड़ा प्रगटदा वा उहदी मौत नहीं जिउंदी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो एक दो पंक्तियां आप नाल सांझियां कर देना। प्रगट भई सगले जोगे अंतर, गुरु नानक की वड्याई मरनी तो नहीं ना, गुरु नानक की वड्याई खत्म तो नहीं होनी, गुरु नानक की वड्याई नाश तो नहीं होनी। प्रगट भई सगले जोगे अंतर, गुरु नानक की वड्याई। भगत कबीर साहब कहते राम रमत मत प्रगटी आई, वो जड़ी प्रीतम दे देश तक रब दे घर तक लै जाए। तो सुरत उत्थे रखियो, चार शब्द मैं तुहाडे नाल सांझे करने हैं, चार बचन, तो सारा समा मैं इसे विषय में ही रहना। कलगीधर पातशाह की बात पाउंदे आ, जेड़ा प्रगटदा वा उहदी मौत नहीं। पहला बचन, धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह संसार जगत विच आए, जदों ननकाने की धरती का जिक्र श्री मान भाई गुरदास जी करते हैं भी बाबा नानक संसार जगत विच आया वा, उत्थे की लिखिया भाई गुरदास ने भी जिहड़ा सतगुर नानक आ ये जन्मया वा, उत्थे की लिखिया सतगुर नानक जिहड़ा ये उपजिया वा। चारे बचन ध्यान नाल सुनी जाए। पहला बचन जे श्री मान भाई गुरदास कहिंदे सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंद जग चानण होवा। इहदा भाव जे प्रगटिया वा ते सारे दे सारी धुंद उहने उस वेले नहीं मिटाई, अज भी मिटाउंदा क्योंकि उहने जुगां तक रहना। सतगुर नानक प्रगटिया, जे प्रगटिया वा ते जुगां तक रहेगा, जुगो जुग अटल। दूसरा बचन, कलगीधर पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा बीते कल ते अज दे वी विशेष दीवान विच तुसीं मना रहे जी। कलगीधर पिता पटना साहब की धरती ते आए, दूजे भाई गुरदास, इन्हां नूं भाई गुरदास सिंह भी विद्वानां ने लिखिया, जिहड़ियां पहले भाई गुरदास जी दीआं वारां ना, ये 40 वारां ने। ये वो भाई गुरदास जिहड़े रिश्तेदारी च पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब दे मामा जी लगते सन, रिश्तेदारी चो बीबी भानी दे भरा। और सुरत उत्थे रखियो, जिन्हां ने पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप गुरु अर्जन देव साहब ने जिहड़ा लिखवाया वह भाई गुरदास तों लिखवाया सी, उन्होंने गुरु नानक की उपमा च लिखिया सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंद जग चानण होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया वा ते जुगां तक रहेगा। दूजे भाई गुरदास, भाई गुरदास दीआं पहलियां 40 वारां जिहड़ियां, उन्हां विच 41वीं वार भी दूजे भाई गुरदास असीं उन्हां नूं कहिंदे आं। विद्वानां ने कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दा, भाई साहब भाई कान सिंह नाभा ने इहनूं दशमेश दा चौर बरदार लिखिया, भी इह कलगीधर पातशाह दे सीस उत्ते खलो के चौर करिया करदा सी, जिन्हें वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। यह लिखिया सुरत एकागर। साध संगत, हुण कलगीधर पातशाह दा अज दिहाड़ा मना रहे छे, बाजा वाला दाता पटने की धरती ते मां गुजरी की कुख तो गुरु तेग बहादुर साहब के ग्रह जदों इस धरती ते आए जगत नूं तारन वास्ते, दूजे भाई गुरदास ने की लिखिया फिर हुण दोवें बचन रला के, बाबा नानक भी आया। पहले भाई गुरदास कहिंदे सतगुर नानक प्रगटिया, जे गुरु नानक प्रगटिया वा ते जुगां तक रहेगा। कलगीधर पातशाह संसार जगत च गुरु गोबिंद सिंह साहब आए पटने की धरती ते, ते दूजे भाई गुरदास ने बचन आखे वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, कलगीधर पिता प्रगट होया। हुण तीसरा बचन सुनिया जी, सन 1699 की आई विसाखी, दशमेश पिता ने विसाखी के पवित्र दिहाड़े ते सिरजिया खालसा, खंडे बाटे की पौल उन्हां पंजां नूं छकाई, खंडे बाटे की पौल अमृत उन्हां पंजां कोलों आप छकिया, उन्हां दे नां नाल भी सिंह शब्द, अपने नां नाल भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह शब्द हो गया। तकरीबन 20,000 प्राणियां ने उस दिन खंडे बाटे का पौल, खंडे बाटे का अमृत प्राप्त किया। 1699 की विसाखी
तीसरा वचन सुनियो, सामने बैठा बाजां वाले दशमेश दे सन्मुख खालसा, खालसे वाल हथ करके गुरु ने की आख्या भला, ये खालसा जन्मया वा, ये खालसा उपजिया वा, इस खालसे का अवतार होया वा? नहीं, हद हो गई हो गुरु दे सिखो, इहदे नालों वध के मेरा दशमेश कलगी धरदाता मां गुजरी दा लाल खालसे की झोली विच होर केड़ी वड्याई पा दे जिहड़ी दशमेश तो भी अगे की गल होवे। हुण तिन्ने बचन जेड़े बचन भाई गुरदास पहले ने गुरु नानक की वड्याई च वरते, जेड़े बचन दूजे भाई गुरदास सिंह ने दशमेश की वड्याई च वरते, हद हो गई गुरु सवारियो ओइयो बोल। 1699 की विसाखी नूं खालसे वाल हथ करके कलगीधर पातशाह ने ओइयो खिताब खालसे नूं दिता जिहड़ा कदे भाई गुरदास बाबे नानक नूं कहिंदे आ ते दूजे भाई गुरदास कलगीधर दाता जी नूं आखदे आ। ध्यान दिया जे तिने बचन रला के पढ़ियो, खालसा किहो जिहा वा? जे खालसा गुरु गोबिंद सिंह साहब वर्गा वा ते भाई गुरदास ने सतगुर नानक प्रगटिया भी नाल शब्द वरत्या। हुण तिने बचन पढ़ियो, कहन लगे सतगुर नानक प्रगटिया, जे प्रगटिया वा ते जुगां तक रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह साहब धरती ते आए, दूजे भाई गुरदास जी ने बचन वरत्या, वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। कलगीधर दशमेश भी मर्द अगमड़ा प्रगटिया, खालसा साजिया ते खालसे वाल हथ करके मेरा बाजां वाला सतगुर बोलिया, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। इहदा भाव की आ, जे सतगुर नानक भी प्रगट होया, जे दशमेश भी प्रगट होया, कलगीधर दाते ने आख्या सजणो ये जिहड़ा खालसा किते जन्मया नहीं, जिहड़ा सतगुर आ उसने आख्या मेरा खालसा, ये किते किसे मां की कुख तो पैदा नहीं होया, अज पैदा होया ते कल नूं मौत हो जाएगी। साहब सच्चे पातशाह ने आख्या जिवें गुरु नानक प्रगटिया वा एदा मेरा खालसा प्रगटिया। होर बेनती सुने, भाई साहब भाई संतोख सिंह ने एक गल बड़ी कमाल की लिखी, वह पता की आखते, कलगीधर पिता ने जदों ये बचन वरते सन कि खालसा गुरु रूप है, खालसा मेरा खास रूप है, खालसा मेरा सतगुर आ, खालसा मेरा सज्जन आ, खालसा मेरा मित्र आ, खालसा मेरी मां वा, खालसा मेरा पिता वा, खालसा मेरा सज्जन वा, खालसा सूरा वा, खालसा अल्लाह वा, खालसा खुदा वा, खालसा भगवान, खालसा रब तुरिया फिरदा। इथों तक बचन वरते, पुछया कैसा सतगुर है ये खालसा, पता कलगीधर पातशाह ने की बचन वरते सन। ध्यान नाल बेनती सुनियो, सात संगत उथे मैं बचन पढ़े, कलगीधर पातशाह ने आख्या सी खालसा गुरु है, गुरु खालसा करो मैं अब जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीन्यो। कहन लगे मैं एदा खालसे नू गुरु थाप दिता वा जिदा धन गुरु नानक देव साहब ने गुरु अंगद नू सिंघासन ते बिठाया सी, एदा खालसा मेरे वास्ते। चार बचना की गल कर रहा सा, तीन बचन सांझे हुए, सतगुर नानक भी प्रगटिया, दशमेश पिता भी प्रगटिया, ते साध संगत प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, ये प्रगट होए आ। ते अगली गल आखा, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह अगे खड़ के जदों अरदास करदे गुरु दे सिखा, ते अरदास करन तो बाद जेड़ा दोहरा पढ़दा वा उहदे च गुरु ग्रंथ साहब नूं की आखदा भला, तू जे गुरु नानक भी होया होवे प्रगट, जे बाजा वाला भी होया होवे प्रगट, जे खालसा भी होया होवे प्रगट, ते श्री गुरु ग्रंथ साहब की आ। बचन ध्यान नाल सुनियो, साध संगत उस वेले रोज हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहब अगे हाथ बन के जकारा छड़न तो पहला पढ़ने आ, आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो। ते की है गुरु ग्रंथ साहब अगे, सारे पढ़ो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, प्रगट गुरां की दे प्रगट वाए। जे सतगुर नानक भी प्रगटे,
रब अंदरों पैदा हो जाए ना, जपद्या जपद्या सिमरन करद्या करद्या बंदगी करद्या करद्या भगती करद्या करद्या अंदरों रब पैदा हो जाए, रब का दर्शन हो जाए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिनके साथे। वेखो कहन लगे गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। ते सजना जे श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रगट गुरां की दे आखना वा फिर बाबा नानक भी प्रगटे ते दशमेश भी प्रगटिया होवे, ते जे गुरु ग्रंथ साहब भी प्रगट गुरां की दे आ फिर गुरु ग्रंथ साहब दा पल्ला छड के गुरु ग्रंथ साहब दा लड़ छड के क्यों थां थां भटकदा फिरदा। आपां ते सिखियां आपां ते ए पढ़ लिया भी सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अंग्रेज विद्वान होया तुसी ते इन्हां मुल्कां च बैठे जे, हो सकदा कितें तुसी पढ़िया होवे उस विद्वान नूं, पर मैं कदे कदे बेनती करिया करदा माफ करियो जे अज दे सिख अखवाण वालिया तेरे कोलों ते अमृत वेले पंज बाणियां दा नित नेम करन दा वक्त नहीं निकलदा, शाम नूं रह रास दे पाठ दा समां नहीं निकलदा तेरे कोलों, रात नूं पंज मिंट सत मिंट लगने कीर्तन सोले दी जिस नूं आपां सोला साहब कहिंदे बाणी पढ़न वास्ते, अज तेरे कोलों ओह वक्त नहीं निकलदा। इन्हां लोकां नूं जिन्हां ने गुर इतिहास लिखिया गुरु दी शोभा लिखी इन्हां नूं कदों पढ़ांगे आपां। एक अंग्रेज विद्वान होया जी ग्रीन लीस, उन्हें एक पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ द गुरुस, दसा पातशाहियों का इतिहास लिखदा, ते दसा पातशाहियों का लिखदा लिखदा इतिहास जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात पाउंदा वा अंग्रेज बंदा जे ग्रीन लीस कितने समा मिले उन्हें पढ़ के वेख्या जे। होर भी बथेरे विद्वान है कईयां दे नां लए जा सकते पर मैं उहदी दलील देण लगा तां बेनती करदा पिया, जदों दसा पातशाहियां दा लिखदा लिखदा इतिहास गुरु ग्रंथ साहब की गल करता वा उस विद्वान ने पता की लिखा जी, इन बिन भी उहदे बोल मैं तुहाडे नाल सांझे कर देना। वह कहिंदा दुनिया दीआं जिन्नीआं धार्मिक पुस्तकां संसार दे विच जिन्नीआं वख-वख धर्म ते मतां मज़हबां दे जिहड़े धर्म दे ग्रंथ वा, कहिंदे सारे दे सारे दुनिया दे धर्म ग्रंथ ते पुस्तकां एक पासे रख दो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा स्वरूप सत्कार नाल दूसरे पासे। कहिंदा एक बड़ा वड्डा अंतर कढ़िया वा मैं इन्हां च, वेखो फर्क ते होर भी हो सकदे आ बड़े, अंतर ते होर भी हैगे आ कि दुनियावी और धर्मां दीआं जिहड़ीआं धार्मिक पुस्तकां ते सानूं कोई पुछे भी श्री गुरु ग्रंथ साहब च ते उहनां बाकी पुस्तकां च की अंतर आ, बड़े अंतर बड़े फर्क कढ़े जा सकदे आ। पर उन्हें पता की लिखा कहिंदा सब तो वड्डा अंतर सब तो वड्डा फर्क कहिंदा जेड़ी मेरी बुद्धि दे मुताबिक है, जेड़ा अंतर कहिंदा मेरी मत दे मुताबिक है, जिन्नी कहिंदा उस गौड़ ने मैनू अकल दिती है मत दिती है, कहिंदा उस गौड़ दी दिती अकल दे बुद्धि दे मुताबिक मैं अज तक जेड़ा सब तो वड्डा अंतर ते फर्क समझिया, दुनिया दीआं सारीआं धार्मिक पुस्तकां ग्रंथ ते दूसरे पासे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच पुछया केड़ा, इन बिन उहदे शब्द जे ग्रीन लीस दे, ओह कहिंदा अदर रिलीजियस बुक्स टॉक्स फॉर गॉड, दुनिया दीआं जिन्नीआं धार्मिक पुस्तकां ओह रब दीआं गल्लां करदीआं, दुनिया दीआं जिन्नीआं धार्मिक पुस्तकां ते बाकी ग्रंथ वा ओह रब दीआं बातां पाउंदे आ, रब दी व्याख्या करदे आ, रब दे बारे च तुहानूं चानणा देंदे आ। पुछया ग्रीन लीज सजना लिखण वालिया ये ठीक है भई दुनिया दे बाकी सारे धार्मिक ग्रंथ ते पुस्तकां रब दीआं गल्लां करदे आ, रब दे बारे च गल्लां करदे आ, रब दी व्याख्या करदे आ, की श्री गुरु ग्रंथ साहिब रब दीआं गल्लां नहीं करदा? की गुरु ग्रंथ साहिब मेरा सतगुर रब दीआं बातां नहीं पाउंदा? की गुरु ग्रंथ साहब रब की व्याख्या नहीं करते? अंग्रेज बंदा कहिंदा ए ना आख्या करो भई गुरु ग्रंथ साहब रब दीआं गल्लां करदा वा, ए ना आख्या करो गुरु ग्रंथ साहब रब दीआं बातां पाउंदा वा, ए ना आख्या करो गुरु ग्रंथ साहब रब दी व्याख्या करदा वा। नहीं, थोड़े जे फर्क नाल उहने दूसरी लाइन में लिखती, पता की कहिंदा जी, कहिंदा अदर रिलीजियस बुक्स टॉक्स फॉर गॉड बट श्री गुरु ग्रंथ साहब टॉक टू गॉड। आखो सतनाम श्री सो। वेखो गुरु दे
सिखो अंग्रेज विद्वान श्री गुरु ग्रंथ साहब नू किन्ना नेड़े होके वेख गया वो बंदा किन्ना नेड़े होके तक लिया उन्हें गुरु ग्रंथ साहब ने हाले उहदा ना सेंग नहीं गा कोई अमृत नहीं छकिया उन्हें पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नू किन्ना नेड़े होके वेख गया इहदा भाव कहिंदा दुनिया दीआं जिन्नीआं धार्मिक पुस्तकां ते ग्रंथ वा कहिंदा सारे दे सारे रब दीआं गल्लां करदे आ रब दीआं बातां पाउंदे आ कहिंदा दुनिया दा इको एक ग्रंथ वा जेड़ा रब दीआं गल्लां नहीं करदा रब दीआं बातां नहीं पाउंदा रब दी व्याख्या नहीं करदा कहिंदा दुनिया दा इको एक ग्रंथ आ जेड़ा सीधा डायरेक्ट रब दे नाल गल्लां करदा आ रब दे नाल कहिंदा जे रब दे बारे च व्याख्या करनी चाहन जे रब दे बारे च परमात्मा गॉड दे बारे च कुछ जानना चाहना ते जेड़े मर्जी धार्मिक ग्रंथ ते पुस्तकां पढ़ लाओ सजना पर जे सिद्धियां डायरेक्ट रब दे नाल दिल दीआं गल्लां करनियां चाहना जे सिद्धियां डायरेक्ट रब दे नाल अंतर आत्मा करके हिरदा करके प्रभु नाल जिवें रब नूं सामने बिठा के उहदे नाल गल्लां करनियां चाहना कहिंदा जे सिद्धियां डायरेक्ट तेरियां रब दे नाल कोई बातां पवा सकदा दुनिया दा इको एक ग्रंथ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जिस दे अगे मत्था टेक के आप सिर चुका के मस्तक धरती ते रख के गुरु ग्रंथ साहिब अगे फिर कलगीधर पातशाह ने आख्या सी सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ सब तो पहला आप नमस्कार कीती प्रगट दी गल कर रहा सा जेड़ा प्रगट दा बाबा नानक भी प्रगटिया सतगुर नानक प्रगटिया कलगीधर पातशाह पैदा होए वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा ते जे खालसा साजिया ते खालसे वाल हथ करके आख्या प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज यह भी प्रगटिया ते जे गुरु ग्रंथ साहब नू गुरता गद्दी दे के सिर चुकाया ते गुरु ग्रंथ साहब अगे हाथ बन के ते सिर नीवा करके आख्या प्रगट गुरां की दे ए प्रगटिया वा इसलिए जे गुरु जुगो जुग अटल वा बाजा वाला जुगां तक रहेगा गुरु ग्रंथ साहब जुगां तक रहेगा ओ सजनो डोलिया ना करो उतरा चढ़ा आउंदे रहिंदे जे दशमेश जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुग अटल ते सजनो जे गुरु जुगो जुग अटालिया ते गुरु दा खालसा भी जुगो जुग अटालिया उतरा चढ़ा आउंदे रहिंदे कौमां च पर सजनो कदे माता साहिब कौर ने कलगीधर पिता नूं आख्या सी वेखो दशमेश दा दिहाड़ा मना रहे जे तुसी कदे माता साहिब कौर ने आख्या सी मेरे सतगुरु शहनशाह सिरदिया साइया जदों कोई औरत व्याही जांदी है उहदे दिल च तमन्ना हुंदी आ मेरी भी कोई औलाद होएगी मेरा भी कोई पुत धी होएगा मेरी भी कोई संतान होगी ते सतगुरु पातशाह जी मेरे सिरदिया साइया मेरे वास्ते की हुक्म है कलगीधर पिता ने एक बात आखी सी माता साहिब कौर जिसनूं अज खालसे की मां कहिंदे आपां साध संगत दशमेश पिता ने आख्या साहिब कौरे पुत्र दी इच्छा औलाद दी इच्छा संतान दी आस संतान औलाद पुत धी दी आस हर व्याही औरत दे दिल दी तमन्ना हुंदी मेरे घर कोई औलाद होए दशमेश पिता पता की बोले आनंदपुर साहब दी धरती कहिंदे साहिब कौरे एक बात कन ला के सुन ला मेरी ते दिल च टका ली हाथ जोड़े माता साहिब कौर ने सिर चुकाया सिर दिया साइया हे शहनशाह मेरे दातार दशमेश की हुक्म है पता कलगीधर दाते ने की आख्या कहिंदे साहिब कौरे इस धरती ते लखां औरतां ने लखां पुत्तां धीआं नूं जन्म दिता बहुत औरतां धरती ते आईआं उहनां ने लखां करोड़ां पुत्तां नूं जन्म दिता लखां करोड़ां पुत्तां धीआं नूं इस धरती ते औरतां ने जन्म दिता पर साहिब कौरे तैनू इस बात का पता है ना कि जिन्ने पुत धियां इस धरती ते औरतां ने जम्मे एक समा आउंदा रहा उन्हां दी अर्थी उठदी रही मां भी दुनिया तो टुर जांदी रही ते धियां पुत भी जिहड़े उन्हां ने जन्मे एक दिन उन्हां दी मौत हो जांदी रही उन्हां दी एक दिन इस धरती तो अर्थी उठदी रही आ चले गए ना दुनिया तो लखां करोड़ां इस धरती ते साहिब कौरे आए पुत धियां ते वो लखां दे लखां करोड़ां धरती तो चले गए वो कहिंदी हाँ सिरदिया साइया साचे जेड़े पैदा होए चल गए संसार तो कहिंदे तू भी पुत्र दी बात पाई सू
ध्यान नाल सुन ला, कई मावां ने पुत जम्मे ते धरती तो कूच करके चले गए। साहब कौरे एक पुत मैं तेरी झोली च भी पावांगा। आह आखो सतनाम श्री, एक पुत साहब कौरे मैं तेरी झोली च भी पावांगा। सिर दे असाइया सतगुरु शहनशाह केड़ा पुत, कहन लगे बाकी ते धरती ते मावां ने इस संसार च पुत जम्मे ते एक दिन उन्हां दी अर्थी उठती रही, ऐसा पुत तेरी झोली च पावांगा। साहब कौरे जेड़ा पैदा ते होएगा, जेड़ा प्रगट ते होएगा, जेड़ा सिरजिया ते जाएगा, लखां सदियां लखां करोड़ां सदियां ते युग लंघ जाणगे, इस धरती तो तेरे पुत दी मौत नहीं हो सकेगी, मरेगा नहीं तेरा पुत, तेरे पुत दी कोई अर्थी नहीं उठा सकेगा। इस धरती तो कदे नहीं कोई आखेगा के खालसे दी अर्थी उठ गई आ। साहब कौरे वो पुत तेरी झोली च पाउणा चाहुंदा जेड़ा इस धरती ते जुगां तक जिउंदा रवे। जे तेरा पुत जुगां तक रवेगा, तू उस पुत दी मां, तेरी याद भी इस धरती ते जुगां तक रहेगी। कदे सोच के वेख्या जे, जिद्दण खालसा साजिया मेरे दशमेश ने, माता साहब कौर नूं पता की बचन आखे सन, आ साहब कौरे पुत्र दी दात तेरी झोली च पा। एक विद्वान दे मैं बचन पढ़े, वो विद्वान लिखदा कलगीधर पिता ने खालसे वाल हथ करके आख्या सी, आप पुत्र खालसा तेरो भयो तेरी गोद हरी कर दे। साहब कौरे अज तो खालसा तेरा पुत्र होया, अज तेरी गोद हरी हो गई आ, तू खालसे दी मां हो गई अज। कहन लगे जुगां तक इस धरती ते जींदा रहेगा, तेरे पुत नू मारन वाले, तेरे पुत नू मकाउन वाले, तेरे पुत नू नाश करन दी सोच रखन वाले इस धरती तो आप नाश हो जाणगे, तेरा पुत भी जुगां तक रहेगा, ते तेरे पुत दे चौंकियां झंडे ते निशान भी इस धरती ते जुगां तक झुलदे रहणगे, जुगां तक झुलदे जना। अज आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। की कहिंदे जे, चौंकियां झंडे बुंगे कदों तक रहण, क्यों जुगो जुगो टालिया, क्योंकि मेरा गुरु जुगो जुगो टालिया। तेरे चौंकियां झंडे बुंगे, खालसे तो बिना कितों जुगां तक रहने, उन्हें खालसे नहीं तो चलाने झंडे। आ वा खालसा जिहड़ा कलगीधर पातशाह ने साजिया, ते नाल अरदास च रोज गुरु का सिंह कहिंदा, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। सात संगत, सतगुरु पातशाह ने ऐसियां रहमतां बरसातियां, वेखो अज भी खंडे बाटे दा अमृत पौल छक रहे आ कई गुरु के लाल गुरु के प्यारे। पर एक बात पाउणी मैं उस दशमेश दी, उहदा प्यार वेख्या जी, अज उहदा प्रकाश दिहाड़ा आपां मना रहे, राती पटना साहब दी धरती आनंदपुर साहब दा जिक्र कीता सी मैं, अज एक दो जिक्र होर करने मैं तुहाडे नाल। जिद्दण उहने खालसा साजिया ना जी, नहीं जे किते इहो जिहा संसार ते रहबर पैगंबर कोई। आ एक बरीकी दी बात सुनियो थोड़ी जी, सारियां गल्लां किताबां विचों नहीं मिलदियां हुंदियां, बड़ा कुछ ऐसा वा जिहड़ा बजुर्गां दी संगत च बह के भी मिलदा वा, बड़ा कुछ ऐसा वा जिहड़ा जुड़िया होयां दी संगत च बह के भी मिलदा, ते बड़ा कुछ ऐसा वा जिहड़ा विद्वानां दी संगत च बह के भी मिलदा। जिद्दण उहने खालसा साजिया ना, पंज प्यारियां नूं खंडे बाटे दी पौल छकाई उहने, ते आप अमृत छकिया उहनां कोलों। एक सीन मैं तुहाड़े सामने लियाना उस वक्त दा, केसगढ़ साहब दी धरती दा, क्योंकि जिहड़ा खालसा वा आ, तुसीं गुरु के खालसे सजे बैठे जे, जिहड़ा खालसा वा इह आनंदपुर साहब दा वासी आ, और केसगढ़ साहब दी धरती तो सिरजिया गया, यह केसगढ़ साहब प्रगट होया वा जिहड़ा खालसा वा। ध्यान देना साध संगत, जदों पंजां प्यारियां नूं अमृत ते दित्ता छका, जदों आप छकना सी ना जी उहनां कोलों, ते सतगुरु पातशाह ने जदों तरला लिया बेनती की, एक खंडे बाटे दी पौल दे अमृत दे पंज घुट गोबिंद राय नूं भी पियाओ, ताकि मैं गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जा, जिवें तुसीं दया राम तो दया सिंह, धर्मदास तो धर्म सिंह बने हो सारे। हुण बड़े विस्थार विच भावें जिक्रिया, पर नुकते दी गल दो तीन मिनट च सांझी करनी मैं। कलगीधर पातशाह नूं जदों अमृत छकाउणा सी ना, पंजां ने हाथ जोड़ के भाई दया सिंह गल च पल्लू पा के खलो गया, दाता अमृत ते दिने आ छका, ये पौल ते दिने तुहानू, दे पंज घुट पिया दिने आ, पर दाता अमृत खंडे बाटे दा जिहड़ा ये पंज बाणियां पढ़ के तैयार ते कर लीए, ये जिहड़ा अमृत आ तैयार ते कर लीए, बना लीए अमृत,
दशमेश पिता पता की बोले, कहंदे दया सिया जेड़े बाटे विचों मैं अमृत तुहानू छकाया ना, जेड़े बाटे चो उहदे विचों अजे अमृत मुका नहीं गा, मैं इन्ना की नहीं बनाया भी जिन्ना कि तुसीं पंजां ने छक लैणा वा, भी इन्ना की बनाया वा। पातशाह कहिंदे उस बाटे विच अजे अमृत हैगा वा, उहदे विचों पंज घुट मैनू छका दो, उसे चो पंज घुट पिया दो मैनू। गुरु की संगत विच जिन्हां ने अमृत छकिया ना, तुसीं अमृतधारी बैठे जे, उहनां नूं इस गल दा बहुता पता लगूगा। पता किवें? जदों पंज प्यारे अमृत की दात देंदे आ, सानूं अमृत छकाउंदे आ, पहला पंज घुट पीण वास्ते देंदे आ, छकण वास्ते पंज अखां च छटे ते पंज केसां च चुले पाउंदे आ, 16 वारी सिंह फतेह बुलाउंदा सिख। जदों जदों उहनूं अमृत छकाई जांदे, नाल नाल कही जांदे बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यह तो 15 वारी फतेह हो गई, तो 16वीं कही है भला? आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पांच घुट पीण वास्ते देते ते नाल नाल ज्यों ज्यों पीना नाल नाल फतेह बुलाउणी, पांच अखां च छटे पै गए, नाल नाल एक एक छटा मारना उन्होंने, नाल कहना बोल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पांच केसां च चुले पै गए वारी वारी, ज्यों ज्यों एक एक चुला पैना नाल एक एक वारी फतेह बुलाई जानी। यह 15 वारी फतेह गजाली, जदों ये अमृत की सारी मर्यादा होगी पूरी, तो सजनों उन्हें कहते चल उठ, हूँ अमृत छकन वाला उठ के खलो गया। पहला वीर आसन ते सीगा गोडा थले ला के खलो गया, कहते आ जड़े छके वाले बैठे आ जिन्हें छक लिया, तो जड़े अजे छकन वाले बैठे आ इन्हां वल नूं मूँह करके हुण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला। यो मर्यादा जी इदा ही छकिया आपां, सुनियो बेनती, जदों सारे दे सारे अमृत अबलाखी अमृत छक लेंदे, सारिया ने अमृत पान कर लिया, हुण की कीता जांदा भला? इको बाटा, एक बाटे च अमृत इकट्ठा कर लिया जांदा सारा, ते सारिया दी लाइन लग जांदी है, एक लाइन च कतार च खलार लेंदे सारिया नूं, इको बाटा सारिया दे मूंह नूं लाउणा, पी अमृत, पी अमृत आगानिया गुर अमर कराया, हो जो अमर अमृत पी के। हुण की होया सजणों? कलगीधर पातशाह ने छकना अमृत पंजां प्यारिआं दे कोलों, गोबिंद राय तो बनना गोबिंद सिंह। हुण की होया? सतगुर कहिंदे मैनू भी छकाओ, मैनू भी पियाओ पंज घुट, ते भाई दया सिंह कहिंदा दाता तैयार कर लीए अमृत बना लीए, ते बाजां वाला दाता कहिंदा जिहड़े बाटे चों मैं तुहानू पियाया, जेड़े बाटे चो मैं तुहानू छकाया उहदे विच अजे होर अमृत हैगा वा, उहदे विचों पंज घुट मैनू पिया दो। बरीकी दी गल थोड़ी जी मैं करनी, दया सिंह पता की कहिंदा, सारे पंजे खलोते हैरान कन्न खड़े पंजां दे, हद हो गई, उसे बाटे चो पी लेने दशमेश, उसे बाटे चो भर लेने पंज घुट, उहदे चो पिया दीए तुहानू। दया सिंह पता की कहिंदा पंजां प्यारिआं दा मुखी है तां करके उहदा नां लैंदा मैं। भाई दया सिंह कहिंदा दाता एक बेनती आ, इह ठीक वा भी असीं तुहानूं पंजां ने अमृत की दात देनी है, पर शहनशाह एक अर्ज ते सुन ला। महाराज कहिंदे दस दया सिंह की गल आ? कहिंदा शहनशाह आंदिआ शहनशाह, दातिआं दिआ दातिआ, गुरु नानक दे सिंघासण दिआ मालका, इह जिहड़ा बाटा वा जिहड़े बाटे च अमृत पिआ वा, ए बाटा साढ़े पंजां दे मूँह नूं लगा वा है, ये जिहड़ा बाटा ना ये साढ़े पंजां दे मूँह नूं लगा वा, ते जिहड़ा साढ़े पंजां दे मूँह नूं लगा बाटा, तूं ते सतगुर आ, उसे बाटे चो तैनू पंज घुट किदां पिया दिखिया? हुण की कहिंदा ओ, की कहिंदा भला बाजां वाला? कहिंदा दया सिंह सुण हुण मेरी गल, ये ते तुहाडा प्यार सी भी तुसीं मैनूं सिर दे के ते अमृत की दात लई आ, लै हुण वारी आ मेरी, तुसीं ते अपना प्यार दिता जता, तुसीं अपना प्यार जताता, हुण मेरी वारी आ, मैं भी दसणा भी मैं तुहानूं किन्ना प्यार करदा। दया सिंह कहिंदा महाराज ये बाटा साढ़े पंजां दे मूँह नूं लगा वा, ते जिहड़ा बाटा साढ़े पंजां दे मूँह नाल छो गया, मैं ठेठ शब्दां च यह नहीं चाहता कि यह बचन अमृत वास्ते मैं सांझा करा, पर टीका टिप्पणी ना करिया जे, केवल समझाउण वास्ते यह गल दसन लगा वा, भी वह समझदे भी बाटा साढ़े मूँह नूं लग गया तो झूठा हो गया, वह मतलब यह कहिंदे
ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੀਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜੇ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਮੁੱਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਏ ਆ ਵਿਤਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਪੀਣੇ ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਮੰਮੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ। ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਪੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਕਣੇ ਅਤੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੇ ਆ, ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚੇਲਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਛੱਡੋ ਚਕਾਰਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ? ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ, ਇਹ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੂਸ ਦਾ ਕੋਕ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ ਕਦੇ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਚੇਲੇ ਉਸ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਛਕਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਦਇਆ ਸਿਆ ਇਹ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਾਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਲੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ? ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਇੱਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕੋ ਰੱਬਰ। ਸੱਜਣੋ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ
तख्त दे उत्ते बैठा होवे तख्त दे उत्ते ते तू शहनशाह है बाजा वालिया जंग दे मैदान विच होवे ते तू महान सूरबीर योद्धा है माला लैके बैठा होवे ते महान संत है कलगियां वालिया रब दे प्यारे फकीरां विच बैठा होवे ते तू दरवेश है सतगुरा जो पुत्तां नूं तोड़दे धर्म की खातर शहीद होण वास्ते ते पुत्तरां दा दानी महान दाता है माछीवाड़े दे जंगलां विच पाटे चोले नाल माछीवाड़े दे जंगलां च सिम दे पैरां चों खून नाल टीम दा सराहना लैके लम्मा पिया होवे ते दुनिया दे सारे करजे ला के तू एक महान माई ते थकिया टुटिया मुसाफर है साडा तू केड़ा गुण है संसार दा जिहड़ा तेरे विच नहीं हैगा। दो क मिनट मैं लैणे समाप्ति कर देनी ध्यान दिओ उस गुरु की एक गल खालसे वास्ते करनी है मैं ये सरदारियां ओदियां दित्तियां अच उस दशमेश दियां ते साध संगत ओदे जंगा युद्धां दा इतिहास ते आपां बड़ा वर्णन कीता पर जदों सारी खलकत विचों रब वेखदा ना जिओ बाजा वाला सारी दुनिया चों तुहाडे वल सारी दुनिया वल हथ करके कहिंदा कोउ भयो मुंडिया सन्यासी कोउ जोगी भयो कोई ब्रह्मचारी कोई जति अनमान बो हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सबे एक है पहचान वो इन्हां देशां च तुसीं बैठे जे अज ये गल आपां कहने भी रैड क्रॉस दे बानी क्रिश्चियनिटी ने रैड क्रॉस शुरू कीती आ सजणों नहीं रैड क्रॉस आनंदपुर साहब की धरती तो शुरू हुई है रैड क्रॉस का बानी कलगीधर पातशाह का महान सिख सत्कारयोग भाई कन्हैया जिहड़ा जंग दे मैदान विच बिना किसी द्वैश ईरखा के सारियां नूं पानी भी पिआउंदा ते बाजा वाला कहिंदा सजणा कल्ला पानी ना पियाया कर मलम पट्टी भी करिया कर मलम पट्टी भी करिया कर ये गुरु नानक के घरों शुरू हुई है ये बात दुनिया नूं दसण की कोशिश करो ये गल्लां। एक गल मैं नुकते की होर सांझी करनी आनंदपुर साहब की धरती तो बाद उन्हां पंजां की गल फिर करन लगा अज ते आपां उन्हां पंजां दा कोई सत्कार माण इज्जत रहनी नहीं दिता गुलाम बना ले अपने वो ते वो लोग गुलाम हो गए जमीरां वेख गईआं सजणों दुनिया दे विच कोई आटा दाला खंड सब्जी गुड़ ये तो वेखदा बड़ा वेख्या सी कपड़े लीड़े कोट पैंटा वेखदे बड़े वेखे वेखे सन महंगियां तो महंगियां लखां रुपईआं दीआं चीज़ां जमीनां जायदादां वेखदियां वेखियां सन ओ गुरु दिया सिखा तेरी जमीर नूं कोई नहीं सी खरीद सकदा अज कौम दे आगूआं दीआं जमीरां विकणियां शुरू हो गईआं अज जमीरां वेचण लग पए अज आपां इह सच्चाई जे इहदे तों मुनकर ना होया करो साध संगत जिहड़ी मैं बेनती करन लगा सां चमकौर दी गढ़ी चों जदों पंजां प्यारिआं ने हुकम लाया दशमेश चमकौर की गढ़ी छड़ के चल जा पंजां दा तैनू हुक्म वा बेनती नहीं हुक्म वा तैनू कि तैनू चमकौर की गढ़ी छड़ के जाना पुग केवल दो मिनट बाजा वाले ने आख्या ठीक है पंजां दा हुक्म सिर मत्थे गुरु रूप जे तुसीं चल जाऊंगा अपने गल की पोशाक लाई चोला जिवें आपां कहिंदे भाई संगत सिंह नूं पोशाक पहनाई कलगी लाई कलगी धर दाते ने जदों सारी पोशाक ला के संगत सिंह दे गल पाती जदों सीस तो लाई ना हीरियां दी जड़ी कलगी बाजां वाले ये 1704 सन की गल है जी 1704 च सुनियो बेनती कलगी लाई जदों एक गल आखी पंजां नूं आख्या अड्डो ए झोली गुरु के खालसा जी अड्डो झोली भाई संगत सिंह कल्ले दी नहीं पंज खलोते आ उन्हां पंजां दी झोली च पाई उन्हें महाराज पाओ भावें झोली एक ही होवे खलोते पंज वा पता बाजा वाले ने की आख्या कहिंदा अज पिता मेरा मेरे कोल नहीं हैगा मैं 9 साल की उम्र च बापू तोड़ दिता सी दिल्ली अज मैनू जम्मण वाली वह मात गुजरी मेरे पास नहीं हैगी चारे पुत्तां चों कोई पुत नहीं हैगा वड्डे दोवें साहबजादे महाराज ने हथी तोड़ते सी छोटे दो उस उन्हां दिनां च महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे उन्हां दा वी तुहानूं पता लग जाऊ सरहंद वाले पासे आ गए सन कलगीधर दाता जी कहिंदे चौवां पुत्तां चों कोई पुत नहीं साहब सच्चे पातशाह कहिंदे पत्नी सपत्नी महल मेरे कोल नहीं आनंदपुर वर्गा सोहना नगर छड्ड आया बाज ताज हाथी घोड़े कुछ नहीं हैगा मेरे कोल खालसा जी सारे का सारा कुछ पंथ की खातर ते खालसे वास्ते मैं कर दिता कुरबान आ मेरे सीस दे उत्ते जड़ी हीरियां जड़ी कलगी सी ना ए पंथ दी दित्ती हुई एक सिर्फ ते सिर्फ सरदारी मेरे कोल रह गई सी इस कलगी तो पता लगता सी ये सरदार आ इस कलगी तो पता लगता सी ये शहनशाह वा इस कलगी तो पता लगता सी ये शाहां दा शाह वा इस कलगी तो पता लगता सी ये पातशाहां दा
पातशाह वा कहिंदे ओए अड्डो झोली जदों कलगी ला ली ना दस्तार तों बाजा वाला बोलिया कहिंदे जिथे पिता गया जिथे तुहाडी खातर मां गई जिथे तुहाडी खातर पुत तोरे जिथे तुहाडी खातर भूआ दे पुत तोर दिते मैं और जिथे तुहाडी खातर आनंदपुर साहब का नगर छड आया वा जिथे तुहाडी खातर बाज ताज घोड़े हाथी फौजा सब कुछ गया खालसा जी आ हीरिया जड़ी कलगी एक सरदारी ते शहनशाही दे रूप विच मेरे कोल बाकी रह गई सी अड्डो झोली जदों झोली अड्डी ते कलगी धर पातशाह पा के झोली च पंजां दे कलगी पता की कहिंदा जाओ खालसा जी अज तो सरदारियां ते शहनशाहियां भी तुहाडी झोली च पातियां 1704 च चमकौर दी गढ़ी छड्डदा वा ओ दाता 1708 च जाके हजूर साहब दी धरती ते ज्योति जोत समौदा दशमेश पिता गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी दे के गुरु खालसा जी चेते रखियो इह जिहड़ा समां वा विचला 1704 तों लैके ज्योति जोत समाउण तक दा उहने अपने सीस ते मुड़ के कलगी नहीं लाई मुड़ के नहीं लाई उहने ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀੜੇ ਜੀਆਂਗਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਉਸ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾਤੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਓ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲੜ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਉਸ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।